डिफरेंस बिटवीन रेनिन एंड रेनिन, एक रेनिन हार्मोन्स है एंड दूसरा रेनिन एंजाइम है। तो आप इसको कैसे क्लियर करेंगे कि एक रेनिन हार्मोन्स है और दूसरा रेनिन एंजाइम है? तो चलिए हम लोग देख सकते हैं, रेनिन जो डबल एंड वाला होगा वो एंजाइम होगा और जो सिंगल एंड वाला होगा वो क्या होगा, वो हार्मोन्स होगा। तो रेनिन क्या होता है, रेनिन एंजाइम है, जो डबल एंड वाला होगा वो एंजाइम होगा और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के फिक्सिल से ये रिलीज होता है जो कि स्टमक में पाया जाता है और भी इसमें होता है, ये इन्फेंट में पाया जाता है। लोग आपको डाइजेस्टिव एंजाइम, रेनिन रेनिन को डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है और इसका अदर नेम, इसका अदर नेम क्या होता है, इसका अदर नेम काइमोसोम होता है। ओके, दूसरा रेनिन की बात करें तो ये हार्मोन्स है, सिंगल एंड वाला हार्मोन्स। ओके हाँ, तो ये जो होता है इसका अदर नेम एंजियोटेंसिन होता है, इसका अदर नेम एंजियोटेंसिन होता है। एंड ये क्या होता है, ये किडनी के जठर नर्वों से किडनी सेल से ये रिलीज होता है और ये एडल्ट में पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन कहाँ पे रेस्ट करता है, टेक पार्ट या रेस्ट पार्ट, ये रेस्ट करता है रास सिस्टम में या रास सिस्टम में। ओके, तो रास सिस्टम में ये रेस्ट करता है और अगर हम रास सिस्टम के फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन ऑल्डोस्टेरोन सिस्टम में ये रेस्ट करता है और ये मेंटेन करता है, ये मेंटेन या मॉनिटर करता है वाटर बैलेंस को या ब्लड प्रेशर को, ये ब्लड प्रेशर या वाटर बैलेंस को ये मॉनिटर करता है। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है कि रेन और रेनिन में डिफरेंस हम कैसे करें तो यहाँ पर देख सकते हो रेनिन, इसकी लेटर को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 डबल एन है और इसमें लेटर 6 है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी 6 और यहाँ पर भी 6, मतलब ये एंजाइम है, 6 वाला एंजाइम। और यहाँ पे आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये हार्मोन्स है। ओके, तो इतनी बातें आपको क्लियर है, तो ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।